है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आज थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फैमिली के साथ भी, एंड देन टुमारो आई हैव टू गो टू ऑर्फनेज एंड टेम्पल, बस देन आई हैव टू डू द ऑल पैकिंग एंड स्टफ एंड देन आई एम फ्लाइंग टू दुबई। ओके, सो बर्थडे को आप किस तरह से लेती हैं, एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट करती है या फिर ऐसा माइंड में आता है कि चलो एक साल कम हो गया है, या फिर किस तरह से आप बर्थडे को लेती हैं? नहीं, मेरे लाइफ में मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो मैं सेलिब्रेट करती हूँ उसमें मैं बर्थडे मैं हर साल, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ओके मेरे एक साल बढ़ गया है और यू नो लाइक आई हैव बिकम वन ईयर ओल्डर, वन मोर ईयर ओल्डर, मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं वेट करती हूँ मेरा बर्थडे आने में, तो एक महीने पहले से मेरा एक्साइटमेंट रहता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आई नो लाइक वॉट आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद ऑर्फनेज किड्स, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बर्थडे पे दीदी आएगी यू नो, वो जो एक इन्जॉयमेंट एक्साइटमेंट रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट करती हूँ, फिर उनके साथ केक काटना, यू नो टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो आई लुक फॉरवर्ड द होल ईयर की थी, अदरवाइज मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे बर्थडे में जो वो लोग दीदी का बर्थडे हमारे साथ स्पेंड करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसके एक अलग ही फन होता है। जानना चाहूँगी आपसे कि आपका कौन सा ऐसा बर्थडे है जो सबसे बेस्ट रहा हो बचपन से लेकर अभी तक का? बचपन में भी मतलब मैं हमेशा यही करती थी, क्योंकि मेरे घर पे वी आर वेरी मच इनटू सोशल सर्विसेज एंड ऑलवेज बीइंग इन फिलैंथ्रोपिस्ट सिंस माय चाइल्डहुड, क्योंकि मैं घर पे बड़ों को ऐसे करते हुए देख के बड़ी हुई हूँ। तो आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे स्पेशल बाय शेयरिंग विद द पीपल लाइक हु डिजर्व इट एंड आई थिंक दे डिजर्व। एंड हाँ, फैमिली के साथ कैलकटा में बहुत ज़्यादा फन होता है, पापा तो जो अभी नहीं हो पा रहे क्योंकि मैं अभी बॉम्बे में हूँ और माई फैमिली लिव्स इन कोलकाता, लेकिन आई ट्राई टू मेक एवरी बर्थडे डिफरेंटली मेमोरेबल। तो सबका अपना अपना खुद का ही एक अलग फन है। ओके, सो अभी तक का बर्थडे गिफ्ट सबसे स्पेशल या सबसे बेस्ट क्या कुछ मिला है आपको? मुझे तो मतलब हर साल कुछ, मतलब बहुत कुछ मिलता है, मतलब आई मीन लाइक ओके माय डैड इज अ वन हु गिफ्ट, बट इस बार मैंने सबको ये अर्ज की, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स इतने बुके वगैरह गिफ्ट्स वगैरह सब भेजते हैं, सबको मैंने ये बोला कि सी नाउ आई हैव ग्रोन अप और ये गिफ्ट्स वगैरह मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं करते हैं। वॉट विल इफ यू रियली वॉन्ट टू सी मी हैप्पी एंड मेक मी हैप्पी, तो प्लीज़ किसी हंग्री पुअर फैमिली को अच्छे से ट्रीट कर देना। सो दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू ऑन माई बर्थडे, रादर देन सेंडिंग फ्लावर्स केक्स ये सब मत भेजो। इस बार मैंने सबको मना कर दिया एंड आई सेड लाइक आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू फीड पुअर फैमिली। सो आपकी फिल्म भी आने वाली है रेड, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? रेड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, काफ़ी एडिटिंग भी हो गया है एंड फिल्म इज लुकिंग रियली नाइस, तो अभी एक मतलब एक्साइटमेंट है उसके लिए। और थोड़ा सा बाकी है फिल्म का, अभी भी शूटिंग थोड़ा सा बाकी है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा डेट इश्यूज वगैरह ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग अ लॉट, तो सब हम एक्टर्स का डेट सब इशू सॉर्ट आउट हो जाने से देन वील कम्प्लीट द फिल्म एंड मोस्ट प्रोबेबली बाई पे और मैक्स टू मैक्स मार्च तक तो आ जानी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? Has a different kind of you know shade in this film, and this will be the first film where I'm playing a college girl. I'm playing a you know like I'm playing a housewife, and then I'm also playing a role of a call girl. Okay, so what is the challenging? Of course, call girl. Of course, yeah. But though it is a sophisticated escort and
that kind of character. But still, I haven't done that before, so it will be challenging. And you have to get into the skin of that character, how they behave, how they talk. जो चीज़ हम मैं रेगुलरली तो नहीं देखती हूँ ना, सो वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. तो मैं कुछ कुछ अभी फिल्म्स भी देख रही हूँ, जैसे जूलिया रॉबर्ट्स की, यू नो, लाइक प्रिटी वुमन में शी हैज़, दो शी इट वॉज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड, दो माई कैरेक्टर इज मोर सॉफ्टिक, बट आफ्टर दैट वॉट शी टर्न्स इनटू. तो कुछ कुछ फिल्म्स है जो देख के आई कैन फॉलो एंड यू नो आई कैन अडॉप्ट इट. कृष्णा इज सुपर, मतलब यू ऑल नो ही बहुत हंसाता है एंड ही इज ऑलवेज फन, एंड व्हेनेवर ही इज ऑन द सेट इट्स ऑलवेज लाइक टू मच फन ऑन द सेट. उतना हंसाता है, इतना फन करता है. शक्ति कपूर जी भी बहुत स्वीट है, वो भी बहुत अपने लाइट अपने हिसाब से भी बहुत फन करते हैं. तो यू नो लाइक ऑल द ग्रुप इन द डायरेक्टर प्रोड्यूसर एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली, और हम लोग वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली. इट्स नेवर वी आई नेवर फील ऑन द सेट ऑफ रेड दैट आई एम वर्किंग हियर. इट्स मोर लाइक वी आर हैविंग फन, वी आर सेलिब्रेटिंग, एंड देन दे अप्रिशिएट माई एक्टिंग, माई स्क्रीन प्रेजेंस, एवरीथिंग. दे लिटरली एनकरेज मी इन एवरी पॉसिबल वे. सो इट्स ऑलवेज अ फन. तो पूरा टीम के साथ काम करने का अलग ही फन है रेड का. सो ये रेड फिल्म जब आ रही है, मतलब जब आपको ऑफर की गई, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कुछ था, या फिर किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, ये जानना? मुझे उन लोगों ने एक्चुअली दे कॉल्ड मी एंड दे से देयर इज अ फिल्म कॉल्ड रेड, वुड यू लाइक टू डू दैट. तो मैंने फिर दिन डायरेक्टर केम नरेशन दिया मुझे फिल्म की. तो मैंने बोला आई नीड वन टू डेज टू थिंक अबाउट इट. दे सेड दे विल, वी वांट टू फाइनलाइज इट, बिकॉज वो लॉकडाउन से पहले, लास्ट वाला लॉकडाउन से पहले का सब सेटअप हो रहा था. तो आई सेड ओके. फिर मुझे लगा ओके देयर आर स्कोप टू परफॉर्म. वॉट आई लुक इन टू मोस्टली इन टू द कैरेक्टर्स एज आई पोर्ट्रे, दैट देयर हैज़ टू बी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर्स. सो यहाँ पे वो स्कोप है. एंड देन कृष्णा का भी अच्छा, शी इज डूइंग वेल. तो सब कुछ देख के मैंने सोचा कि ठीक है, चलो विल आई डू दिस फिल्म और लेट स्टार्ट. और वैसे भी इंडस्ट्री में कभी बहुत कुछ वो प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा था. अभी तो काफ़ी बेटर है, स्टिल टेकिंग टाइम, बट काफ़ी सेटल है. सो आई सेड ओके, आई लाइक द स्क्रिप्ट, आई लाइक द बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर प्रोड्यूसर. सो आई सेड ओके, सो वी आई वेंट अहेड विद दैट. सो इसके अलावा और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं? न्यूयॉर्क टू हरिद्वार जो मैंने ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ, दैट इज विद नेक्स्ट फिल्म आफ्टर आई कम्प्लीट रेड, बिकॉज द प्रोड्यूसर ऑफ रेड इज डायरेक्टिंग दैट फिल्म न्यूयॉर्क टू हरिद्वार. कास्टिंग अभी भी चल रहा है और वो फिल्म भी शायद मे बी वी आर शूटिंग दैट फिल्म इन अमेरिका. तो मे बी हो सकता है कि वील अवॉइड द विंटर, और अभी वीज़ा वगैरह का भी बहुत इश्यूज चल रहा है. तो once everything get normalized, we'll start New York to Haridwar. Okay, so अभी कंगना रनौत का जिस तरह से चल रहा है विवाद, कंगना रनौत के जिस तरह से उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है, उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए अभी जो कंगना की बात है, उसने एक बात बोली, उसको लोग बना के बहुत चढ़ा रहे. इफ यू गो थ्रू द होल इंटरव्यू देन विल सी दैट उसने ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोला कि जो फ्रीडम फाइटर्स है वो लोग मतलब ऐसे ही भीख में ऐसे, उसका बोलने का तरीका वो नहीं था. उसने पहले जो बोला वो कोई नहीं सुन रहा है. लास्ट जो एक वर्ड है उसको लेके लोग बैठे हैं. इफ यू गो थ्रू द होल वीडियो ऑफ हर, देन शी हैज़ हर ओन ओपिनियन. आई एम नॉट सेइंग दैट हर ओपिनियन इज नॉट माई ओपिनियन, बट आई डोंट फाइंड इट सो कॉन्ट्रोवर्शियल द वे पीपल आर पुटिंग इट. क्योंकि उसका अपना हो ही सकता है ओपिनियन. सो इट्स हाउ ओपिनियन. शी नेवर सेड दैट फ्रीडम फाइटर्स वैसे भीख में मिला है, किसी ने कुछ नहीं किया. शी हैज सेड पीपल हैव फॉट फॉर इट, बट द वे इट हैज बीन कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू हर ओपिनियन, दैट्स नॉट माई ओपिनियन. सो हर वे ऑफ सेइंग वॉज डिफरेंट एंड द पीपल टूक इट इन अ डिफरेंट वे. तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ में कंगना है बोल के कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करो, उसके बारे में नेगेटिव बोलो, ये बात अच्छी है. दिस इज ऑल राइट. सो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी दैट ओके आई हैव बिकम वन ईयर ओल्डर, बट डजेंट मैटर, आई एम ऑलवेज स्वीट 16 एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू. तुम लोग इतना अभी इंस्टाग्राम्स में, ट्विटर पे दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स विशिंग मी. तो मुझे अच्छा बहुत लगता है कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, और ये आपके जो प्यार है उसको हम मतलब बरकरार रखेंगे अपने तरीके से. और आई लव यू ऑल अ लॉट एंड थैंक यू. व्हाट आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ माई फैंस. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. थैंक यू.
कैमरा में दिखाती है Thank you.